अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आप ठीक ठाक होंगे। एक शॉर्ट वीडियो के साथ मैं आज दोबारा से हाज़िर हूँ। अभी कल परसों मैंने एक वीडियो लगाई थी, उसमें कुछ आठ परिंदे थे, लेकिन वो चूँकि निकालने सारे ही थे, उस तरह भी समझ नहीं लग रही थी, तो मैंने कहा सारे निकालते। इस दफ़ा सोचा है कि सारे निकाल दें, क्योंकि दोस्तों को कुछ समझ नहीं आ रही कि परिंदे किस तरह लेने हैं, क्या करना है। बहरहाल वो एक डिटेल की बात है, मैं बाद में आपको बताऊँगा। एक अभी मैं आपको जितने इनके परवाजी परिंदे हैं ना, मैं आपको बताया था छतें ख़त्म हो रही है, ब्रीडर कबूतर भी हैं, कुछ परवाजी भी हैं। तो ये आठ नौ मादियाँ और बारह नर हैं, यानी बारह और नौ इक्कीस, टोटल 21 परिंदे बनेंगे। ये परवाजी हैं सारे, टोटल इन्होंने ख़त्म किए हैं। तो इनका थोड़ा सा मैं आपको शौक करवा देता हूँ जितना हो सकता है, लेकिन ये है कि इस चीज़ की जिम्मेदारी होगी कि सारे उड़े हुए और बहुत अच्छी परवाजें दे के, पिछला सीज़न भी कुछ कबूतर उससे पिछले सीज़न के भी हैं, एक ही छत के उड़े हुए कबूतर हैं। कोई बात दोस्त लेगा तो इंशाल्लाह वो परेशान नहीं होगा, लगेंगे भी कबूतर क्योंकि रंग बिरंगे नहीं हैं, इधर उधर के एक ही जगह के हैं, परेशानी कोई नहीं रहेगी। और लग गए तो इंशाल्लाह काम भी बढ़े आएंगे क्योंकि उड़े हुए। ये सबसे पहला पट्टा। अच्छा, कबूतर हैं भी ज़्यादातर घर के, ऑलमोस्ट सारे घर के। ये इनके पास एक बड़ा खूबसूरत बटेरा कबूतर है, बटेरे में से निकला हुआ। और जितना एक शौक हो सकता है मैं वो करवा देता हूँ, बाकी जिस दोस्त को समझ लगती है वो रब्ता करते हैं। कबूतरों के बाकायदा साइज़ हैं, अच्छे मौसम में उड़ने वाले कबूतर हैं, और भरपूर बड़े साइज़ के भी कबूतर हैं बीच में। जो ये देखें ना, इसका डायल चेहरा, उसका उसकी नोक देखें आप, मोरा बहुत खूबसूरत है इस नार का। और इसका डायल देखें ना, वो ऑलमोस्ट उसकी खोपड़ी से भी बड़ा बड़ा डायल है उसका। कबूतरों का शौक करें, आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। बगल देखें उसके कहाँ तक जा रही है, गिरा तक। इसको हो सकता है अभी भी कोई एक आधी मोर इसके अंदर लगी हो, या पार उतर गए होंगे अब तक, क्योंकि सीज़न तो ये वाला इन्होंने उड़ाया नहीं, पिछले सीज़न के ही है सारे। कबूतर इंशाल्लाह ख़ुद बोलते हैं, जो किसी काबिल होते हैं ख़ुद बोलते हैं कि हम क्या है। इसकी भी बगल आपने देख लेनी है, बगल पे ज़रूर नज़र मारनी है। इन्हीं परों के ज़ोर पे इसने उड़ना होता है परिंदे ने, और यही इसके अच्छे होने चाहिए। लें जी, ये हैं बारह नर, तेरह नर है, हाँ सॉरी तेरह नर है, और खड़ दड़ इनकी आपके सामने साफ सुथरे बगैर किसी मसले मसाइल के। अच्छा, ये सामने कुड़ा जहाँ से निकल के मैं आ रहा हूँ, वहाँ नर थे, और इधर टोटल मादियाँ हैं। मादियों का तो भी ये देता हूँ, बाकी मैं थोड़ा शौक भी करवा देता हूँ इनका। आज मेरे मोबाइल का भी टेस्ट है, सूर्य के सामने कैसी वीडियो बनाता। अब ये वो मादी, इसका मैंने पहले भी शौक करवाया हुआ, बेसिकली ये ब्रीडिंग में निकाली थी, अब ये परवाजियों में डाल दी सारी। आगे आप दोस्त देख लें जिसको जो समय लगता हो, जो पिछले आठ कबूतर थे वो सारे के सारे इसमें डाल दिए, क्योंकि इन्होंने छोड़े थे लैदा लैदा, जो लगे लगाए जोड़े हैं वो अलग हैं। वो शायद एक दोस्त से बात चल रही है, अगर यहाँ आके कोई ले गया तो वो ले जाएगा, नहीं तो मैं आपको दिखा दूँगा। और देखें यही रंग होते हैं उड़ने वाले, ये इनकी बनावट, हर चीज़ बिल्कुल रेशम की तरह है, और कागज़ है बिल्कुल, उसका वेट ही कोई नहीं है मादी का। चेक करें, क्या बात है।
साइज इनके बहुत अच्छे हैं। जी ये मादी हैं टोटल, ये आपके सामने ये है कितनी, नौ मादी हैं, एक पट्टी है इनके अंदर, वो सामने पट्टी है, बाकी सब बड़ी मादी हैं और उड़ी उड़ाई इंशाल्लाह जिसके दोस्त के पास भी जाती हैं सारे कबूतर रिजल्टेड कबूतर हैं, मज़ा आएगा इंशाल्लाह शौक का, मुझे डिस्कशन व्हाट्सएप पे करेंगे।